स्टूडेंट्स, आज हम आपको पॉलिटिकल साइंस के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या चर्चा की थी, इसकी डिफिनेशन के बारे में हमने इसकी मीनिंग को समझा था, इसकी डिफिनेशन को समझा था, ठीक है, उसके स्कोप को समझा था। ठीक, क्या क्या मीनिंग हमने देखा, हमने इसकी पहले मीनिंग देखी पॉलिटिकल साइंस का मतलब क्या होता है, फिर हमने इसको देखा डिफिनेशन, डिफिनेशन को हमने हिस्टोरिकल पार्ट में देखा, मॉडर्न में देखा, ठीक, फिर इसके हमने स्कोप को देखा, ठीक, जो भी था, और यूनेस्को भी हमने स्कोप को देखा 1948 जो पेरिस में कन्वेंशन हुआ था। ठीक, इसके बाद हम क्या चर्चा करेंगे, मेथड्स, स्टडी मेथड्स ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। क्या क्या चर्चा करेंगे हम, पॉलिटिकल साइंस की स्टडी मेथड ऑफ पॉलिटिकल साइंस, स्टडी पॉलिटिकल साइंस। ठीक, इसके कुछ महत्वपूर्ण क्या है पार्ट है, ठीक है, कुछ इसके महत्वपूर्ण स्टडी मेथड्स हैं जो हम इसको समझेंगे, किस प्रकार से पॉलिटिकल साइंस को पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है। ठीक है, इसके लिए हम सबसे पहले क्या समझते हैं, कौन सा मेथड है, देखिए तो कुछ इंपॉर्टेंट मेथड है, जैसे हिस्टोरिकल हो गया, एक्सपेरिमेंटल हो गया, और ऑब्जर्वेशन हो गया, ठीक है, कंपरेटिव हो गया, और फिलोसफिकल हो गया, ये पांच एस्पेक्ट आपको मिले। सबसे पहले कौन सा, मेंटल मेथड, पहला हो गया एक्सपेरिमेंटल मेथड, ठीक, दूसरा हो गया कंपरेटिव मेथड, हो गया ठीक, एक्सपेरिमेंटल हो गया, कंपरेटिव हो गया, ऑब्जर्वेशन, ठीक, कौन कौन सा हो गया, एक्सपेरिमेंटल हो गया, कंपरेटिव हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, फिर हो जाएगा हिस्टोरिकल, कौन सा मेथड, हिस्टोरिकल मेथड। फिर अगला क्या हो जाएगा, ठीक, कौन कौन सा मेथड, सबसे पहला एक्सपेरिमेंटल हो गया, दूसरा क्या होगा कंपरेटिव हो गया, तीसरा क्या होगा ऑब्जर्वेशन मेथड हो गया, तीसरा क्या हो गया, चौथा क्या हो गया हिस्टोरिकल मेथड हो गया, पांचवा क्या हो गया फिलोसफिकल मेथड हो गया। क्या कहेंगे इसे, पर्यवात्मक विधि, कंपरेटिव माने समीक्षात्मक विधि, ऑब्जर्वेशन करना, ऑब्जर्वेशन माने ऑब्जर्वेटरी, और हो गया हिस्टोरिकल ऐतिहासिक हो जाएगा, फिलोसफिकल दार्शनिक विधि हो जाएगी। ठीक, अब हम एक एक चीज को लेकर समझने का प्रयास करते हैं, कि एक एक मेथड को समझने का पहले प्रयास करते हैं। आपके पास कितने मेथड है, पांच मेथड है, ठीक, पहला क्या होगा एक्सपेरिमेंटल मेथड। देखिए एक्सपेरिमेंटल मेथड का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं, या फिर किस प्रकार से इंपॉर्टेंट होती है ये समझते हैं। ठीक है, इनको स्टडी करते समय क्या क्या चीजें देखी जानी चाहिए। देखिए एक्सपेरिमेंटल का मतलब क्या होता है, हम किसी चीज को जब स्टडी करते हैं, ठीक, तो उसको एक्सपेरिमेंटल यानी प्रयोग के माध्यम से स्टडी करते हैं, यानी किसी क्या कहेंगे प्रयोगात्मक विधि, ठीक, प्रयोगात्मक विधि हो जाएगी। अब प्रयोगात्मक विधि में क्या क्या, जैसे आपने आपने देखा कि इसे मान लीजिए पानी बनाने के लिए क्या क्या जरूरत होती है, ठीक है, नमक बनाने के यानी सील बनाएंगे तो क्या क्या जरूरत होती है, ठीक है, कोई भी हम केमिकल बनाते हैं क्या जरूरत होती है, ठीक, यानी कि हम किसी एक लेबोरेटरी में प्रयोग करते हैं तो उस प्रयोग के माध्यम से हमें कुछ एक्सपेक्ट रिजल्ट मिलते हैं, और उस रिजल्ट को हम क्या करते हैं एनालाइज करते हैं, तो हमें क्या होता है एक्सपेरिमेंट। अब भाई प्रयोग किसे कहेंगे, प्रयोग उसे कहेंगे जो किसी चीज पर किया जाने वाली वह प्रक्रिया होती है जिससे उसके हर एक पार्ट के बारे में व्यक्ति को आसानी से समझ हो जाती है उसी को प्रयोग कहेंगे। जैसे कि हम जानवर के ऊपर प्रयोग करते हैं तो उसके हर एक चीज के बारे में अध्ययन करेंगे, खाना पीना रहना, ठीक है, उसके हर एक एक्टिविटीज, इंटरनल बॉडी पार्ट्स, जितनी भी चीजें उसके बारे में अध्ययन करेंगे, उसकी हर एक चीज की एक्टिविटी को हम ऑब्जर्व करते हैं। जैसे हम हवा को लेते हैं, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कैसे बनती है उसके बारे में सीखेंगे,
ऑक्सीजन किससे बनेंगे, हवा किससे बनेंगे, ऑक्सीजन से बनेंगे, ऑक्सीजन के दो अणु हवा का, एयर कहलाएंगे, एयर में कौन कौन सी चीजें होती हैं ये सब देखेंगे। यानी कि एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से किसी चीज को जानना वो क्या कहलाता है, प्रयोगात्मक विधि कहलाती है। अब ये प्रयोगात्मक कुछ प्रैक्टिकल साइंस में कैसे एडजस्ट करती है, ठीक है, जैसे हम देखते हैं इस्लामी शास्त्र में, पॉलिटिकल साइंस के क्षेत्र में आप जाएंगे देखेंगे बहुत सारे प्रयोग हुए हैं। इसमें तो प्रत्यक्ष कैसे है ना, इसमें आपको जैसे साइंस में क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल हर एक क्षेत्र में होता है, साइंस में होता है अलग से होता है, इकोनॉमिक क्षेत्र में एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, ठीक है। यानी कि जब आप किसी पर प्रयोग करते हैं कि क्या वह चीज वास्तव में सही है या गलत है, किसी चीज के इफेक्ट के प्रभाव को जानना ही क्या कहलाता है, एक्सपेरिमेंट कहलाता है। क्या वह पॉजिटिव है, निगेटिव है, सही या गलत है, ऐसे ही राजनीति शास्त्र में बहुत बार ऐसे क्या किए गए हैं, प्रयोग किए गए हैं। जैसे कि हम देखते हैं अरस्तु ने सबसे पहले प्रयोग किया था किसमें, एक ऐसा मॉडल बनाया था, ठीक है, एक सिसली की राजधानी बना के एक ऐसा मॉडल बनाने का प्रयास किया था जो उनके हिसाब से स्टेट की परिभाषा में आए, लेकिन वो प्रयोग पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। वैसे ही हम देखते हैं 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो एक एक्ट बनाया था उसमें डुबल गवर्नमेंट की स्थापना करने का प्रयास किया था 1919 में, इंग्लिश इंडियन गवर्नमेंट एक्ट जो लाया था, लाया गया था, उसमें डुअल गवर्नमेंट यानी कि एक प्रोविंस प्रोविंस में होगा, एक सेंटर में होगा, इस प्रकार की एक योजना लाई गई थी। यानी कि उसमें भी एक प्रकार से प्रयोग किया गया था, ऐसा नहीं कि इतिहास में कई बार प्रयोग नहीं किया गया है, राजनीति शास्त्र हमेशा समय समय पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे गार्नर है, इसके पीछे में सबसे पहले एक गार्नर क्या सोचते हैं, कोई भी चीज चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो कोई भी विषय हो, चाहे राज्य हो, चाहे नीति हो, चाहे कानून हो, हर एक चीज की प्रारंभ प्रयोग से की जा सकती है और उस प्रयोगों के माध्यम से समझा जा सकता है कि क्या वास्तव में वो चीज सफल है या असफल है। यानी उस चीज का प्रभाव प्रयोगों के माध्यम से किया जा सकता है। यानी किसी भी राज्य के, ठीक, किसी राज्य के बारे में हम अध्ययन करेंगे तो उसके बारे में प्रयोग करें, कोई पॉलिसी बारे में बनाना है तो उसके बारे में पहले प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे कि आज हम देखते हैं तो कोई चीज एक्ट या कोई कानून बनाया जाता है उसके संबंध में कुछ ऑब्जर्वेशन भी लिया जाता है, मत लिए जाते हैं, क्या आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, एक्सपेरिमेंट भी किया जाता है, क्या वो वास्तव में पहले छोटे क्षेत्र में लागू किया जाता है, कानून को देखा जाता है क्या वो इफेक्टिव है, तो उसको बड़े क्षेत्र में लागू किया जाता है, ठीक है। पहला क्या हो गया, एक्सपेरिमेंटल हो गया, ठीक है। अगला हम देखते हैं क्या है दूसरा, पहला हो गया एक्सपेरिमेंटल, दूसरा क्या हो जाएगा तुलनात्मक, कंपैरेटिव। तुलनात्मक विधि का मतलब क्या होता है, तुलना करना, यानी कि कंपैरिजन करना, कंपैरिजन बिटवीन विच, कंपैरिजन बिटवीन द वन स्टेट पॉलिसीज एंड अनदर स्टेट पॉलिसीज, एक राज्य के बारे में नीतियों का तुलना करना। जैसे कि हम देखते हैं कोई भी चीज हमारे यहाँ कैसी है, और जैसे कंपैरिजन करना तो व्यक्ति का एक स्वभाव हो गया है, हर एक चीज में कंपैरिजन करता है, हमारे यहाँ क्या है, उनके यहाँ क्या है, तो उन कंपैरिजन के माध्यम से हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, इफेक्ट उसका पड़ता है। अब ऐसे ही राजनीति शास्त्र में होता है, राजनीति शास्त्र में क्या होता है, आप कंपैरिजन करते हैं डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन को, डिफरेंट लॉ को, डिफरेंट पॉलिसीज को कंपैरिजन करके उसके हम उसमें पॉलिटिकल एस्पेक्ट को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। हम क्या स्टडी करते हैं, डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट क्या कॉन्स्टिट्यूशन को, डिफरेंट लॉ को, डिफरेंट पॉलिसीज को, हम इस चीज के अध्ययन करके समझते हैं क्या वो वास्तव में वो चीज इफेक्टिव हो रही है कि नहीं। जैसे कि अरस्तु ने इसमें क्या कहा था, जब उन्होंने अपने थॉट को समझने का प्रयास किया था, अपने थॉट को एक्सप्रेस किया, एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने 150 संविधान की स्टडी की थी उन्होंने, ठीक है, अरस्तु ने 150 संविधानों की स्टडी की थी, यानी कि 150 संविधान डिफरेंट कंट्रीज में गए थे, डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में कौन कौन से कानून होते हैं, उन्होंने क्या चीजें क्या लिखी गई हैं, क्या अच्छी चीजें हैं, क्या बुरी चीजें, उनको स्टडी करके, यानी वो एक प्रकार से जो उन्होंने अपने
अध्ययन करने किया, उन्होंने अपनी थ्योरी जो डेवलप की वो एक कंपेरिजन करके ही उन्होंने चीज अपनी चीज की डेवलप की। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि तुलनात्मक अध्ययन, तुलनात्मक अध्ययन जो उन्होंने किया था वो किन आधारों पर किया था। तुलनात्मक अध्ययन करते समय हमें क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन करते समय हमें क्या क्या देखना चाहिए, तुलनात्मक अध्ययन करते समय यह हमें देखना चाहिए, कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए कि निष्कर्ष जब कंफ्यूजन करते हैं जो उसका एक निष्कर्ष होता है वो केवल क्या होना चाहिए, केवल संस्था को देख के निकाला जाना चाहिए, यानी कि कोई संस्था है बस संस्था को ही, संस्था जिसके बारे में स्टडी कर रहे हैं किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में उसका क्या कंक्लूजन है बस उसी को देखना चाहिए। ठीक है, और क्या देखना चाहिए हमें, निष्कर्ष निकालने में केवल समानताओं की ओर जो ध्यान नहीं देना चाहिए बल्कि असमानताओं को भी ध्यान देना चाहिए, समानताओं के साथ साथ असमानताओं को भी ध्यान देना चाहिए, क्या क्या देना चाहिए, समानता के साथ साथ असमानता भी होना चाहिए, और किसी इंस्टीट्यूशन की ओर ठीक है उसमें क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसको भी देखना चाहिए हर एक, ठीक है, और अत्यधिक जो मैक्सिमम जो डिफरेंट होते हैं इंस्टीट्यूशन उनका कंपेरिजन नहीं करना चाहिए, यानी कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से डिफरेंट होते हैं, किनका करना चाहिए जो हल्का फुल्का मिलते हो, ज्यादा डिफरेंट हो क्या है उसकी स्टडी नहीं की जानी चाहिए। ठीक है, और क्या है कंक्लूजन निकालते समय क्या देखना चाहिए, पॉलिटिकल एस्पेक्ट और सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट को गंभीरतापूर्वक अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, क्या क्या करना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस में जब हम कंपेरिजन करते हैं कंपेरिजन स्टडी को पढ़ते हैं तो स्टडी करते समय हम पॉलिटिकल एस्पेक्ट को देखेंगे और सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट को देखेंगे, उस विषय दोनों पॉलिटिकल और सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट को गंभीरतापूर्वक स्टडी करना चाहिए। और क्या होना चाहिए, ज्यादा डिफरेंट होना चाहिए उसका नहीं करना चाहिए, ज्यादा डिफरेंट इंस्टीट्यूशन की कंपेरिजन नहीं करना चाहिए, इंस्टीट्यूशन का जो कम ज्यादा इफेक्ट ठीक है इंस्टीट्यूशन का जो ज्यादा इफेक्ट होता है उसमें ज्यादा स्टडी नहीं करना चाहिए। ठीक है, किसी एक ठीक है कोई एक सब्जेक्ट में देखिए क्या क्या हमने सीखा, स्टडी करते समय क्या क्या ध्यान देना चाहिए, सबसे पहले क्या देना चाहिए, ज्यादा डिफरेंट इंस्टीट्यूशन हो जाए उसमें स्टडी नहीं करना चाहिए, ठीक, कंक्लूजन किसी एक इंस्टीट्यूशन को देखकर नहीं निकालना चाहिए, ठीक, कंक्लूजन किसी एक इंस्टीट्यूट को देखकर नहीं निकालना चाहिए, ज्यादा डिफरेंट इंस्टीट्यूशन हो उसके ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, और कौन कौन चीजें हैं, ठीक है, और क्या है पॉलिटिकल एंड सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट को ध्यान में देख करना चाहिए, ये सब चीजें हमें स्टडी करते कंपेरिजन कंपेरेटिव स्टडी करते समय ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब तीसरा क्या है, ऑब्जर्वेशन मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड का मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वेशन मेथड का मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वेशन करना, ठीक है, यानी कि सिंगल क्या करेंगे भैया वेक्षण, ऑब्जर्वेशन मेथड का मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वेशन करना, देखिए ऑब्जर्वेशन का सबसे सीधा मतलब ये समझते हैं, जैसे मान लीजिए आपको किसी के बारे में स्टडी करना है, आप किसी व्यक्ति को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे एग्जाम में आपने एग्जामिनर देखा होगा वो क्या करता है, इन्विजिलेटर होता है, क्या है ऑब्जर्वर होता है, कोई पेपर कैसे दे रहा है किसके बारे में स्टडी करना है, जैसे आप किसी बारे में रिसर्च करना चाहते हैं तो किसी एक व्यक्ति के पीछे आप उसको हमेशा ऑब्जर्व करते रहिए, देखते रहिए क्या करता है, कब क्या करता है, कैसे करता है, तब उसके बारे में हम बेहतर स्टडी कर सकते हैं। ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, कोई भी रिसर्च करने वाला कोई भी स्टडी करने वाला बंदा मैन या जो भी हो ठीक है वो किसी एक इंस्टीट्यूशन किसी एक स्टेट या फिर कोई एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हो जिसके बारे में वो स्टडी करता है उसको हर एक पॉइंट पे क्या करता है पर्यवेक्षण करता है ऑब्जर्व करता है उसकी हर एक एक्टिविटीज को देखता है समझता है जिसके आधार पर वो एक कंक्लूजन में पहुंचता है उसे ऑब्जर्वेशन मेथड करेंगे फॉर एज पर्पस स्टडी करता पॉलिटिकल साइंस एस्पेक्ट में हम क्या कहेंगे ऑब्जर्वेशन मेथड फॉर द बेसिस ऑफ द पॉलिटिकल साइंस एस्पेक्ट एस्पेक्ट ऑब्जर्वेशन मीन्स ऑब्जर्व द एनी इंस्टीट्यूशन इन स्टेट विच ईच एंड एवरी स्टेप ईच एंड एवरी स्टेप from the belonging to the any aspects like that political like that economic like that any be policies any be work to related in the states then can be improved
ऑफ द ऑब्जर्वेशन मेथड्स, यानी कि ऑब्जर्वेशन मेथड में हर एक चीज को अध्ययन करेंगे, हर एक पहलू को देखेंगे किसी एक संस्था के रूप में लेकर, ठीक है। तो इसको हम समझने के समय हम क्या क्या ध्यान देते हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड को जो हम समझते हैं तो हम कौन कौन सी चीजों को ध्यान देते हैं, क्या ध्यान देते हैं। देखिए ऑब्जर्वेशन करते समय हमेशा क्या होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, ठीक है। ऑब्जर्वेशन करते समय हमेशा क्या होना चाहिए, एकदम निष्पक्ष होना चाहिए, किसी भी पूर्व ग्रहित भावना से ग्रसित नहीं होना चाहिए कि हम पहले से ही सोच लेते हैं कि ये गड़बड़ होगी, ये क्या होगा, ठीक है। हमें पूरी तरह से निष्पक्ष होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि तथ्यों को हमें स्वयं निरूपण करना चाहिए, तथ्यों को हमें स्वयं ऑब्जर्व करना चाहिए, हम किसी दूसरे को भेज कर उसका ऑब्जर्वेशन न करवाएं। हम क्या करेंगे, हमें पूरी तरह से निष्पक्ष होना चाहिए ऑब्जर्वेशन करते समय, हम पहले प्रिजुडिस में हों, पहले से ही उसका प्रिजुडिस में हों, ठीक है। और जो ऑब्जर्वेशन कर रहा है वो स्वयं करें, कोई दूसरे व्यक्ति को भेज कर वो ऑब्जर्वेशन न करवाए, ठीक है। तथ्यों को एकदम माइक्रो लेवल पर फैक्ट का आप जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उसे फैक्ट का हर एक लेवल पर जाकर ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हल्का हल्का देख के छोड़ के अपने एक कंक्लूजन बना दिया कि ये चीज ऐसे ही है, नहीं। आप क्या करेंगे, पूरा बेहतर तरीके से समझेंगे, पूरी बेहतर तरीके से उस चीज को अध्ययन कर कर ही उसको एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, ठीक। अब हम देखते हैं तीन हो गया, अब हम फोर्थ में पहुंचते हैं हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल मेथड, ऐतिहासिक पद्धति या ऐतिहासिक विधि, ठीक। ऐतिहासिक पद्धति क्या कहते, किसे कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस में ऐतिहासिक पद्धति क्या होती है, हम भूतपूर्व में जाके पिछले समय में जाके देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में यानी कि कुछ ऐसे राज्य के संस्थान में, ठीक है, राज्य या सरकार के संबंध में कौन कौन से ऐसे कानून बनाए गए, कौन कौन ऐसी नीतियां बनाई गई, कौन कौन से ऐसे ठीक सिद्धांत बनाए गए जो राजनीति को देखकर चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले किसका अध्ययन करते हैं, यह पूरी तरह से कनेक्टेड होता है, क्या है, भूतकाल से उत्पन्न होने वाले कारणों से, ठीक है, उनके विकास, उनकी सफलता असफलता, जिसमें एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण निहित होती है, ठीक है। किसी ऐसे इवेंट के इतिहास में, ठीक है, कौन कौन सी घटनाएं हुई, कौन सी सफलता हुई, कौन कौन सी असफलता हुई है, उसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को देखकर हम उसे इससे भी कहते हैं। तो क्या कहेंगे हम, हिस्टोरिकल मेथड उसे कहेंगे, ठीक है। हिस्टोरिकल मेथड में क्या करेंगे, हिस्टोरिकल मेथड में क्या स्टडी करेंगे हम यहां देखेंगे कि जब कोई संसद, जैसे मान लीजिए संसद का विकास हुआ है, ठीक है, संसद का जब विकास हुआ उसमें कौन कौन सी चीजें हुई है, यानी कि आज हम देखते हैं अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना होता है तो हम क्या जाके पढ़ते हैं, 1935 का हम इंडियन गवर्नमेंट एक्ट पढ़ते हैं, ठीक है, भारतीय शासन अधिनियम 1965 पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना हो अच्छे समझना हो, ठीक है, ऐसे ही 1935 का एक्ट समझना हो 1990 इसके बाद हम क्या समझना पड़ता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं इतिहास में जाकर किसी चीज की संस्कृति कार्रवाई को देखना, हर एक चीज को एस्पेक्ट को देखना ही ये चीज कहलाता है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव करते हैं। लॉर्ड एटकिन ने क्या कहा था, राजनीति शास्त्र ही वह शास्त्र है, ठीक है, राजनीति शास्त्र ही वह शास्त्र है जो इतिहास में छुपी हुई, इतिहास में छुपी हुई समस्त गहराइयों को संग्रहित करता है, ठीक, राजनीति शास्त्र ही वह शास्त्र है जो इतिहास में छुपी हुई सभी गहराइयों को संग्रहित करता है, ठीक है, लॉर्ड एटकिन ने कहा था। और सीले ने क्या कहा था, बिना इतिहास के राजनीति शास्त्र का कोई मूल्य ही नहीं है, बिना इतिहास के राजनीति शास्त्र का कोई मूल्य ही नहीं है। और फ्रेडरिक पुलॉक ने इसका मतलब क्या कहा था, ठीक है, फ्रेडरिक पुलॉक ने बहुत सही व्याख्या की थी, इसके लिए संस्थाओं में वर्तमान स्वरूप की व्याख्या करनी से अपेक्षित सबसे पहले क्या है, हम उसके इतिहास को जाने, यानी कि जो वर्तमान है वर्तमान को अध्ययन करने से पहले हमें सबसे पहले क्या चाहिए, उसके भूतकाल का अध्ययन करके ही हमें एक स्टडी पर पहुंचना चाहिए, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं बात क्या है, फिलोसफिकल एस्पेक्ट, यानी दार्शनिक पद्धति। फिलोसफिकल मेथड में क्या समझेंगे हम, फिलोसफिकल मेथड में हर चीज की दर्शन से जुड़ी होती है, ठीक है,
दर्शन से जुड़ी होती है। हर एक चीज किससे जुड़ी होती है? दर्शन से जुड़ी होती है। दर्शन चीज के मतलब क्या होता है? राजनीति शास्त्र के अध्ययन में दर्शन की पद्धतियां बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, हमने क्या देखते हैं? हम हर एक मेथड को देखते हैं, हर एक जितनी भी हमने मेथड देखो स्टडी करने को तो बढ़ेंगे, इंडक्टिव एक डिडक्टिव, फिर दूसरा होता है डिडक्टिव। देखिए इंडक्टिव में क्या होता है? इसमें होता है इंडक्टिव बेस क्या होता है, हम किसी एक पार्टिकुलर चीज को पढ़ते हैं फिर हम उसमें एक थ्योरी बनाते हैं। यानी मान लीजिए हमें किसी एक चीज पे स्टडी करना है, यानी मान लीजिए हमें एक छोटी सी चीज स्टेट पे स्टडी करना है, हमने स्टेट को पढ़ लिया है। ठीक, स्टेट को पढ़ने के बाद हमने बहुत बड़ी थ्योरी बना ली। ठीक, ये थ्योरी क्या हो जाएगी? ये कहां चल रहा है? छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है। इंडक्टिव में क्या हो जाएगा? एक हम सबसे पहले एक सबसे बड़ा स्वरूप बना लेंगे, फिर उस स्वरूप को हमें देखो जर्नल से पर्टिकुलर बनाएंगे, तब हम उसमें कोई खोज करते हैं। जैसे सब जानते हैं कि मृत्यु अटल है, हर एक व्यक्ति की मृत्यु होना निश्चित है। ठीक है, हम जानते हैं जब उसके हर एक व्यक्ति की मृत्यु होना निश्चित है, मृत्यु कैसे होगी, कैसे होगी, कहां होगी, क्या होगी, कैसे होगी, उसके बारे में स्टडी करना यानी कि वो जर्नल से सामान्य है, सामान्य से उसके बारे में अध्ययन करना पर्टिकुलर चीज को, ये डिडक्टिव होता है। डिडक्टिव क्या होता है? मृत्यु क्यों होती है, कैसे होती है, कहां होती है, इसके बारे में अध्ययन करना। ऐसा नहीं कि हम पहले सामान्य से मृत्यु होती है, मृत्यु क्यों होती है ये हम समझेंगे। ठीक, जैसे कि हम अब क्या होता है, फिलोसफिकल एस्पेक्ट हमेशा डिडक्टिव को लेकर चलता है, ना कि इंडक्टिव को। इसके पहले जितने एक्सपेरिमेंट हम एक्सपेरिमेंटल देखा, ऑब्जर्वेशन में देखा, हिस्टोरिकल देखा, ये सब इंडक्टिव को लेकर चलते हैं। लेकिन फिलोसफिकल एस्पेक्ट क्या होता है? हम उसके दर्शन को समझते हैं, उसकी भावना को समझते हैं। ठीक है, उन सब चीज के हर एक परिस्थिति को हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो हम इसको समझने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ इसकी भी सावधानियां होती पढ़ते समय। कौन सी? फिलोसफिकल एस्पेक्ट पढ़ते समय हमें यह ध्यान देना चाहिए कि यह एक पूरी कल्पना पर आधारित नहीं होना चाहिए, यह पूरी तरह से फिक्शन नहीं होनी चाहिए, वो एक रियलिटी बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, हम जब फिलोसफी का अध्ययन करेंगे तो हमें उसके यथार्थ यानी रियलिस्टिक को, रियलिस्टिक एस्पेक्ट को भूलना नहीं चाहिए, उसको हमें एक कोरिलेशन बनाना चाहिए प्रेजेंट और हर एक चीज उपस्थित होने वाली चीजों में। ठीक है, फिलोसफिकल एस्पेक्ट में फिंक्शन बुद्धि द्वारा, ठीक है, हर एक का एक एक्सपेरिमेंट एक्सपीरियंस का मिक्सचर होना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा? हमने स्टडी का मेथड देख लिया। ठीक है, स्टडी का होगा पॉलिटिकल साइंस। अब हम अपनी वाली क्लास में क्या देखेंगे? हम अगली वाली क्लास में देखेंगे स्टेट की डिफिनेशन समझेंगे और स्टेट में कौन किसकी 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 थ्योरी है। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पर स्टेट के डिफिनेशन को देखेंगे, फिर स्टेट के बेसिक एलिमेंट्स को देखेंगे, उससे रिलेटेड सभी थ्योरियों को हम बेहतर तरीके से उस चीज का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।